सो आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई मोटो H50 फ्यूजन और आप देख सकते हो मैंने कोई भी माइक वाइक कुछ नहीं लगाया और ऑडियो क्वालिटी इतना क्लियर है। ठीक है, देखो हम मिडिल क्लास में 25,000 का फ़ोन आईफोन की तरह हमारे पास है। ठीक है, और ये इस फ़ोन के लिए मैंने बहुत टाइम से पैसे जमा किया था। वो बोलता है ना पेट काट काट के, मैंने इसके लिए पैसे जमा किया, ट्यूशंस किया रात दिन, अपना खर्चा को पूरा कमाया, जो भी एक्स्ट्रा खाना पीना होता था, फ्राइड राइस, चिली चिकन, मोमोज, उस सबको घटाया मैंने। आप मेरे चैनल में भी देख लोगे कि बहुत ही मतलब अभी 3-4 महीने से बहुत कम मोमोज और फ्राइड राइस ये सब का वीडियो आ रहा है, क्योंकि मैं खा ही नहीं रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताना इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। वीडियो क्वालिटी तो हम देख रहे हो, और मैंने इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम किया है, और ये देखो ये इसका अच्छा वाला ब्राइटनेस। ठीक है, और इस ये फेस पे मत जाना क्योंकि मैं अभी नहाने वाली हूँ और मैं धूप में बैठी हूँ। ठीक है, इसीलिए इतना पसीना पसीना हो रही हूँ। सो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को ताकि ग्रोथ हो जाए, और मैंने जो ये फ़ोन EMI में लिया है ताकि अगर मोनेटाइज हो जाए तो मैं थोड़ा सा पैसा यहाँ से निकाल के अपने फ़ोन का EMI डाल सकूँ। सो सब कुछ आप हो यार, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो तभी चैनल ग्रोथ होगा। तो मुझे तो ये फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त लगा, और आज मेरा ये फ़ोन का आई थिंक 15 दिन बाद मैं रिव्यू दे रही हूँ, 15 दिन का यूज़ करने के बाद। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने ये फ़ोन इसीलिए बाय किया था क्योंकि मुझे ऑडियो क्वालिटी और वो वीडियो क्वालिटी अच्छा चाहिए था। मेरा पहला वाला जो फ़ोन था रेडमी नोट 10 प्रो, उसमें उतना अच्छा वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी नहीं आता था, मुझे माइक यूज़ करना पड़ता था, और सब कुछ मतलब हाथ में नहीं होता है ना हर टाइम पास में, तो उसको फिर एडिट करो, ये करो, वो करो, और इसमें मुझे एडिट करने का ज़रूरत ही नहीं है, साउंड को एडजस्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं बस इसको अपलोड कर दूँगी थोड़ा सा एडिट करके InShot में। मैं टाइम मास्टर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मुझे InShot पसंद आता है क्योंकि उसमें जल्दी से जल्दी हो जाता है, उतना तामझाम नहीं करना पड़ता। तो प्लीज़ जैसे आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो को प्यार दे रहे हो, आप मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी प्यार दो, क्योंकि मैं बिहार भी गई थी उसका भी वीडियो डालूंगी। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें जो जो होता है गांव में, जो हमारे गांव में अभी मेला हुआ था बहुत बड़ा, उसको मैं उसका भी वीडियो पोस्ट करूंगी। अगर आप लोग उसको प्यार ही नहीं दे रहे हो, अगर 5-6-30-40 वीडियो व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं क्यों ही अपलोड करूँ और क्यों ही इतना मेहनत करूँ एडिट का। ठीक है, क्योंकि एडिट में भी मेहनत तो है ही है, आप InShot से करो, आप Kinemaster से करो, आप जिस भी जगह से करो, मेहनत तो है ना। तो यहाँ से जो भी है आप लोग सपोर्ट कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं बाय। और ये है मेरा छत, ठीक है, वहाँ पे है मेरे खरगोश, मैंने इसका घर बनाया है खरगोश का, मैं अभी वो वाला वीडियो में मैं दे दूँगी। ठीक है, तो चलो अभी खाना बना खाएंगे और मुझे झड़गाम के लिए निकलना है जहाँ पे मैं रहती हूँ। ठीक है, बाय। और एक मैं दिखाऊँ, मैं बोलूँगी हमारे दांत का सब, हमारे बॉडी का सबसे हार्ड मतलब सबसे सख्त पार्ट होता है दांत का एनामेल, और मेरा देखो ये वाला दांत का ये वाला हिस्सा टूट गया, पता नहीं कैसे यार, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है अभी। मैं ज़्यादा अगर मुंह खोलूँगी, ये मेरा पूरा लेवल में था, ये टूट गया। मेरा सबसे सख्त पार्ट होता है हमारा शरीर का एनामेल दांत का, वो भी टूट गया, मतलब भरोसा किस कैसे करें, और इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दांत थोड़ा एडजस्ट करूं। छोड़ो यार, चलने दो, जब होगा पैसा तब देखेंगे, दांत को एडजस्ट करेंगे, वो टूट सी मुट सी क्या निकलता है वो देखेंगे। सो बाय।